घाटी में अमन चैन के दुश्मन एक्टिव हैं। जम्मू कश्मीर पिछले कुछ दिनों में कई आतंकी हमले झेल चुका है। अब पैर पसारते आतंकवाद पर पलटवार की तैयारी कर ली गई है। दिल्ली में जेएनके के सुरक्षा हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई। बैठक में जम्मू कश्मीर में आतंक पर बड़े एक्शन प्लान पर मंथन हुआ। दो दौर की बैठक में पहली मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली, फिर दूसरी बैठक शुरू हुई है। इस दौरान आतंकवाद से निपटने के साथ साथ अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। सुबह 11 बजे से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, आतंक के खिलाफ ऑपरेशन, काउंटर इंटेलिजेंस और टेरर फंडिंग को रोकने और LOC पर घुसपैठ पर पूरी तरह रोक लगाने का प्लान तैयार हुआ है। वहीं दूसरे दौर की बैठक जो दोपहर 2 बजे शुरू हुई, इसमें अमरनाथ यात्रा, उसके दोनों मार्ग पालटाल और पहलगाम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ यात्रियों की सुविधा और दूसरे कई अहम मसलों पर मंथन हुआ। आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाने और अमरनाथ यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए गृह मंत्रालय में चल रही बैठक खत्म हो गई है। और आप देखिए तस्वीरों में तमाम जो बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल थे वो अब सिलसिलेवार तरीके से निकलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बैठक जो है वो लगभग खत्म हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात गृह मंत्री की तरफ से ये बताई गई कि जो श्रद्धालु हैं उनके मन में किसी भी बात का डर ना हो और भारतीय सेना की व्यवस्था चाक चौबंद हो। हालांकि ये फिलहाल मोदी सरकार की जो नई कैबिनेट बनी है उस कैबिनेट में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहली और अहम बैठक थी, जिसको लेकर लगातार 5 घंटे ये बैठक मैराथन चली। इस पूरी बैठक में तमाम बड़े अधिकारी, बड़े सुरक्षा एजेंसियों के बड़े जवान शामिल थे। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ सुशील पांडे, News18 दिल्ली। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि हाई लेवल मीटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों गृह मंत्री अमित शाह ने इतनी बड़ी बैठक की है। दरअसल JNK में लगातार हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा पर आतंकी खतरा मंडरा रहा है। सेना पर आतंकी हमले का अलर्ट है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मीटिंग बहुत जरूरी थी। सुरक्षा को लेकर दिल्ली में हुई मीटिंग बेहद हाई लेवल की गई थी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बैठक में अर्धसैनिक बलों के प्रमुख रॉ और IB के चीफ शामिल हुए, JNK के उपराज्यपाल और NSA अजीत डोभाल भी शामिल हुए, आर्मी वायुसेना के अधिकारी बैठक में शामिल रहे, साथ ही गृह मंत्रालय के अधिकारी बैठक में शामिल थे। जम्मू एंड कश्मीर राज्य की सुरक्षा की स्थितियों की गहन समीक्षा की जा रही है। अभी हाल के समय में जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद से लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, 4 दिनों में जो 4 आतंकी हमले किए गए हैं, जाहिर है कि इस संदर्भ में इस बैठक में इस बात पर गहन विचार होगा कि इन आतंकियों को किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाए। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि मोदी 3 के शपथ ग्रहण के बाद से ही आतंकी बौखलाए हुए हैं और तब से लेकर अब तक कई हमले हो चुके हैं। हमलों की टाइमलाइन पर अगर गौर करें तो 9 जून को रियासी में बस पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 10 लोगों की मौत हुई थी। 11 जून को कठुआ में इसी तरह का हमला हुआ, जिसमें सुखल गांव में हमले में ग्रामीण घायल हुआ, जबकि एक आतंकी ढेर हुआ था। और इसी दिन यानी 11 जून को डोडा में सेना के जवानों पर हमला हुआ। इस हमले में 5 जवान घायल हुए थे। और फिर 12 जून को डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक जवान घायल हुआ था। POK के आतंकी अड्डे सुपर एक्टिव। ISI ने 3 टॉप कमांडर को टेरर कॉन्ट्रैक्ट दिया। घुसपैठ के लिए तैयार 250 आतंकियों का दस्ता। रडार पर आया मोस्ट वांटेड अबू हमजा। जम्मू कश्मीर में आतंक का खूनी खेल खेलने वाली पाकिस्तानी दहशतगर्दों की गीदड़ गैंग की नई किश्त घुसपैठ के लिए तैयार है।
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के सभी आतंकी कारखाने सुपर एक्टिव हो गए हैं। खुफिया इनपुट से मिली जानकारी ने सुरक्षा बलों को चौकन्ना कर दिया है, क्योंकि पीओके के आतंकी अड्डों पर जबरदस्त हलचल है। टेरर कैंप में बौखलाए आतंकी सरगनाओं का जमावड़ा लगा है। भारत में दहशतगर्दी फैलाने के लिए बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, कमांडरों की तैनाती कर दी गई है। खुफिया इनपुट में ये भी पता लगा है कि आतंकियों को किन लॉन्च पैड से भारत में घुसपैठ करने के लिए ऑर्डर मिले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी से पता लगा है कि पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI ने लश्कर के आतंकी कमांडर मोहम्मद अमीन बट, मोहम्मद कासिम और सजाद जट उर्फ रफीक नाई को जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले और आतंकियों की घुसपैठ का जिम्मा सौंपा है। ये तीनों टॉप टेरर कमांडर POK में सक्रिय है। रजौरी और पुंछ में इन्हीं के भेजे आतंकी कमांडर पर पुलिस ने 10 लाख का इनाम भी रखा है, जिसका नाम अबू हमजा बताया जा रहा है। अबू हमजा की तलाश सुरक्षा बल लगातार कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक POK के 17 ट्रेनिंग कैंप से 37 लॉन्चिंग पैड के रास्ते 200 से 250 आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में है। 9 जून से शुरू हुए टेरर अटैक में 4 दिन में 4 आतंकी हमले अंजाम दिए गए। वहीं आतंकी आकाओं की पूरी कोशिश है कि सीरियल अटैक का सिलसिला जारी रखा जाए, जिसके लिए ISI ने टेरर रूट तैयार कर आतंकी घुसपैठ का बारूदी मंसूबा भी बना रखा है। सूत्रों से पता लगा है कि आतंकियों ने POK के हलान शुमाली, अलीबाग, डोंगी, हाजीपीर सेक्टर, फॉरवर्ड कहूटा, पड़ मोहल्ला, रंकडी और सीढ़िया में लॉन्च पैड एक्टिव कर दिए हैं। मौत बांटने के हथियारों से लैस दहशतगर्दों का दस्ता भारत में घुसपैठ के लिए आत्मघाती जोखिम भी उठाने के लिए तैयार है। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल की मुस्तैदी ने दहशतगर्दों को उनके बिलों में दुब के रहने पर मजबूर कर रखा है। कठुआ में जारी सर्च ऑपरेशन के बीच भारत की तरफ से दहशतगर्दों को क्लियर मैसेज भी दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्स के साथ ही कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिला है, जहां आतंकियों के खिलाफ आम कश्मीरियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं का मंसूबा सिर्फ जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात अंजाम देने भर का नहीं है। हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर की टेरर टोली भारत के बड़े धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की भी फिराक में है।